एक शादी समारोह में मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि जो भारत के संविधान में कहा गया है कि ये भारत है और ये धर्मनिरपेक्ष है, तो मैं समझती हूं कि किस तरह की परिस्थितियों में मौजूदा सरकार वोटों का बंटवारा कर रही है। मैं समझती हूं कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि देश में किसान संघर्ष कर रहे हैं और उन पर हथियारों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इन सब मुद्दों की बजाय सरकार यूसीसी के मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि एमएसपी आनी चाहिए और बजट में इसको लेकर वादा भी किया गया था। आया कि बीजेपी जो है वो यूसीसी लाना चाहती है, जबकि हर जात धर्म का अपना एक सिस्टम होता है। जो भारत के संविधान में कहा गया है कि ये भारत है, ये धर्म निरपेक्ष है, तो मैं समझती हूँ इस तरह की परिस्थितियाँ मौजूदा सरकार वोटों के बंटवारे के लिए लाना चाह रही हैं। और मेरा मानना है कि जो मूल मुद्दे हैं अभी देश में, आप लोग देख रहे होंगे लगातार किस तरह हमारे किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं और कैसे उन पे हथियारों का प्रयोग हो रहा है और छर्रों का भी प्रयोग हो रहा है, साथ में सैनिक शस्त्रों का भी प्रयोग करने की सरकार सोच रही है। और जैसे कि हमने देखा है कि मीडिया वाले तो पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स और सब पहन के वहाँ पे हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि हालात बहुत संवेदनशील है, लेकिन उन किसान जो किसान लोग हैं वो कुछ भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पहने हुए हैं जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और सरकार द्वारा लगातार उन पे छर्रे छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट्स, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, तो इस तरह की निर्दयी सरकार लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की यूसीसी इस तरह के लेकर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर जैसे पंजाब सरकार जो समर्थन कर रही किसानों का, तो वो अपने राज्य में एमएसपी क्यों नहीं दे देती। मैं समझती हूँ एमएसपी जब बजट में आनी चाहिए थी, वादा किया था भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे थे तभी ये तीन कानून वापस लिए गए थे और उसी समय वादा किया गया था कि एमएसपी दी जाएगी। और जितने किसान लोग मरे हैं इस आंदोलन के दौरान, उन सबके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो सरकार जो कहती है वो उसमें बिल्कुल खरी नहीं उतरती है। अब समय आ गया है कि सरकार जो कहे, उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि आवारा पशुओं के बारे में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो इस जो प्रॉब्लम है, ये जो लोग जो हमारे जो फार्मर्स हैं जो रोज इसका सामना कर रहे हैं खेतों में, इसका वो निस्तारण करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है और चुनाव आने के समय ये मुद्दे लेके आती है और चुनाव जाते ही ये मुद्दे समाप्त हो जाते हैं।